एप्पल जब से अपने आईफोन 14 में सैटेलाइट कनेक्टिविटी की टेक्नोलॉजी ऐड किया है, जो कि इमरजेंसी के टाइम पर आपकी हेल्प कर सकती है, जब आपके फ़ोन में कोई नेटवर्क ना हो, या फिर कहीं जंगल में हो, या फिर रिमोट लोकेशन पर जहाँ पे वाईफाई या किसी भी तरह का नेटवर्क अवेलेबल ना हो, उस समय पे आपकी मदद कर सकती है। नहीं, ये आईफोन 14 वालों का मदद कर सकती है, उसका यूज करके, आईफोन 14 वाले उसका यूज करके डायरेक्ट आप किसी को भी मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। इमरजेंसी के सिचुएशन पे ये फीचर्स काफ़ी ज़्यादा काम करने वाली है। 15 नवंबर 2022 को ये न्यूज़ आई थी, और ठीक 3 महीने बाद 23/2/2023 को, यानी कि आज ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि सैमसंग ने भी सैटेलाइट बेस्ड स्मार्टफोन कम्युनिकेशन अनवील किया, जिसे वो 5G NTN मॉडम का नाम दिया है। सैमसंग का खुद का जो जाइनस चिप है, उसके साथ ये टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट होकर ये सैमसंग के आने वाले फ़ोन में देखी जा सकती है। यानी कि जब आप आईफोन अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर भी ये सैमसंग के फ़ोन में भी ये टेक्नोलॉजी आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाएगा। यानी कि आपको आपका फ़ोन डायरेक्ट सेटेलाइट से कनेक्ट होगा, बीच में कोई भी नेटवर्क नहीं। यानी कि जो भी आप कहीं आप रिमोट लोकेशन पर जाते हैं, यानी कि कोई पहाड़ी इलाके में जाते हैं, या फिर जंगल, या फिर कुछ ऐसे एरियाज में जाते हैं जहाँ पे आपको नेटवर्क आपके फ़ोन में नहीं आता है, तो आने वाले समय में ये प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिख रही है। तो सैमसंग के आने वाले फ़ोनों में ये सब टेक्नोलॉजी आपको दिख सकती है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, आगे और भी अपडेट आएगा तो मैं आपको कुछ और वीडियो में बताऊंगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, थैंक यू।